खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया में मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हाथरस में पेट्रोल पंप से लाखों की लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप से 5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूट के 3 लाख रुपए सहित तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद कर ली। देखिए, आप अवगत हैं दिनांक 1-10 को पेट्रोल पंप सासनी से कैश ले जा रहे हैं, मुनीम कैश लेके जा रहे थे, उनके साथ 5 लाख रुपए की लूट हुई थी। उस घटना को वर्कआउट करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाते हुए क्षेत्राधिकारी नगर, SHO सासनी और SOG की टीम का गठन किया गया था। हरदोई में महिला की पीट पीट कर हत्या करने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये भी कहा गया है कि इन 4 में से एक ने पहले भी एक बार छेड़छाड़ की थी और उस समय आरोपी को पकड़ कर गाँव में जूतों की माला पहना कर घुमाया गया था, लेकिन गांव के लोगों के कहने पर उसे बाद में ही बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है और पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये थाना सुरसा का मामला है। परमाई लाल है, निवासी जसापुरवा थाना सुरसा। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी पत्नी राम प्यारी, उम्र लगभग 45 साल, रात में 1 बजे शौच के लिए गई थी और गांव के कुछ लोगों से उनकी पुरानी झगड़े को लेकर दुश्मनी चल रही थी, जिनके नाम राम लड़े थे, होरीलाल, संतराम व सुशील हैं। इन लोगों ने उसी को लेकर के इसको मारा पीटा। जैसे घर पे आप पहुंची, इसको तत्काल सुरसा ले जाया गया अस्पताल में, वहां से फिर रेफर हो गई हरदोई। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने 2 आरोपी इनको हिरासत में लिया है, जिसमें राम लड़े थे और लाल है। सौ का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। देवरिया के गोरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत करमेल बाजार में हर साल के भांति इस साल भी 2 दिवसीय विशाल कबड्डी और दबंग दंगल प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम प्रधान भोला निषाद ने किया है। और वहीं आपको बताते चले कि बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में ही पहुंचे और गोरी बाजार ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्व विजय निषाद ने फीता काट बालिका खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है। और श्री निषाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने शानदार खेल प्रदर्शन किया है और जीते हुए खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग इसी तरह नई ऊंचाइयों को छूते रहे। यह वर्षों से चली आ रही है इस गाँव की एक ऐसी परंपरा है जो अपने संस्कृति को सजोए रखने का कार्य करती है, जो दीपावली के बाद हमेशा से यह कार्यक्रम चलता है, कबड्डी और दंगल का कार्यक्रम चलता है। और निश्चित रूप से इस गांव के काफ़ी नौजवान हैं जिनकी आप फिटनेस के बारे में देखेंगे, चाहे उनका व्यक्तित्व देखेंगे, तो खेल से निखर के आता है। और निश्चित रूप से युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे नौजवानों से जो आज अब फिटनेस बरकरार रखे हुए हैं। महाराजगंज के बरदगवा थाना क्षेत्र में मौजूद एक गांव में ही सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवा दंपति ने एक साथ अपनी जान दे दी है। और एक साथ ही बता दूं आपको कि घटना के बाद से ही आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि घटना पारिवारिक विवाद के कारण घटित हुई है। दिनांक 26 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे के आसपास थाना बरगदवा पे ये सूचना आई कि ग्राम रामगढ़वा के एक दंपति द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर आरंभिक जांच के उपरांत उसे शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है।
प्रथम दृष्टया किसी अपराध के होने की बात प्रतीत नहीं हो रही है, फिर भी तथ्यों की गहराई से छानबीन की जा रही है तथा जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली के शीशगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी की 14 बाइकों के साथ ही पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीसरा साथी दानिश अभी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। दानिश का आपराधिक इतिहास काफी लंबा बताया जा रहा है। उसके 8 आपराधिक मुकदमे कई थानों में दर्ज करवाए गए हैं। बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में ही और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक शीशगढ़ की अगुवाई में ही चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ही बिना नंबर प्लेट की बाइक से जा रहे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मामले का खुलासा हो पाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया है कि देश और प्रदेश वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई दी है और संजय कुमार निषाद ने भैया दूज के पावन पर्व पर महिला सशक्तिकरण को लेकर निषाद पार्टी महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए कहा, जहाँ नारी का सम्मान होता है वही माँ लक्ष्मी का वास होता है, ऐसे समाज को आधी आबादी को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कि जो सरकार है आधी आबादी को मजबूत करने के लिए नए कदम उठा रही है और श्री निषाद जी ने महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि भैया दूज एक परंपरा चली आ रही है कि भाई अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर देता है। आज मैं भी अपनी बहनों और महिला मोर्चा को प्रदेश भर में भ्रमण के लिए एक गाड़ी भेंट करता हूँ, जिससे निषाद पार्टी महिला मोर्चा मजबूत और सशक्त होगा। हमारे वहाँ एक कहावत है कि महिलाएं अबला के नाम से, निर्बल के नाम से जानी जाती हैं। मैं उन्हें सबल बनाने के लिए खुद वो अपने आत्मनिर्भर हों, तो जब मेरी पार्टी में आत्मनिर्भर होंगी, भाई हमारी पार्टी का काम ही है कि भाई सब हिस्सेदारी हो, भाई सबकी हिस्सेदारी बराबर है, ईश्वर के भेजे हुए संतान हैं, तो महिलाएँ आधी आबादी महिलाओं की हैं तो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने पार्टी में महिला मोर्चा बनाया है। और महिला मोर्चा में अब उनके साधन संसाधन चाहिए, इसलिए प्रदेश के सभी जिलों में खड़ा होकर हर ब्लॉक 850 ब्लॉकों में जाकर पहले महिला मोर्चा का गठन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज महिला मोर्चा को एक गाड़ी दे रहा हूँ। अभी इसमें शुरू में चलेंगी, अदल बदल के रोटेशन में होगा और रोटेशन में चलकर अभी हम ट्रेंड महिलाओं को भेज रहा हूँ, फिर आगे भी और गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इनको आज प्रतापगढ़ निर्धार किया जा रहा है, चूँकि श्रृंगवीरपुर धाम का वो रास्ता रहा, कभी भगवान राम उसी रास्ते गए थे। इतिहास रहा कि जब जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे दुर्गा चाहे काली के रूप में महिलाओं को आगे आना पड़ा था। बलरामपुर में आज तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। इस घटना में ट्रक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार पूर्व प्रधान की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है और साथ में चल रहे 2 साइकिल सवार साथी घायल हो गए हैं। मामला थाना गोडांस बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम बड़हरी का बताया जा रहा है। मामले के बारे में कहा जा रहा है कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार राधे श्याम पटवा को रोंदते हुए निकल गई है, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि बड़हरी गांव के ही रहने वाले 2 अन्य साइकिल सवार भी घायल हो गए। इनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरोला में ही प्राथमिक उपचार कर दोनों लोगों को घर भेज दिया गया है और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। घटना की जांच करवाई जा रही है। शाहजहांपुर जेल में ही मनाए जा रहे पंच दिवसीय दीपावली महोत्सव के 4थे दिन गाजियाबाद के प्रसिद्ध जादूगर रोहित और उनकी टीम का कारागार है में जादू कला का प्रदर्शन कराया गया
और पंच दिवसीय समारोह के पहले दिन धनतेरस मनाई गई है। दूसरे दिन छोटी दिवाली के दिन सभी बंदियों के बीच सफाई और साज सज्जा प्रतियोगिता आयोजन की गई है, जिसमें सभी 1600 बंदियों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर पूरे कारागार परिसर को दुल्हन की तरह सजाया, जिसका पुलिस अधीक्षक एस आनंद, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राम सेवक द्विवेदी ने ही प्रशंसा की है। और तीसरे दिन दीप उत्सव समारोह आयोजित हुआ। आपको बता दें कि जो कारागार शाहजहांपुर के इतिहास में अद्वितीय रहा है और आज कारागार परिसर में मनोरंजन और खुशी का वातावरण देखने के लिए ही जो तैयार करने के लिए जादूगर रोहित और उनकी टीम ने जादू कला से बंदियों को आश्चर्यचकित कर दिया। शाहजहांपुर जेल में पंच दिवसीय दीपावली महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रथम दिन धनतेरस को धूमधाम से मनाया गया। चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में साज सज्जा प्रतियोगिता आयोजित कर सफाई अभियान चलाया गया। दीपावली को धूमधाम से मनाया गया तथा चौथे दिन आज बंदियों के मनोरंजन और उनको खुशी और उल्लास देने के लिए तथा अवसाद और तनाव दूर करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध जादूगर रोहित और उनकी टीम के द्वारा जादू कला का प्रदर्शन किया गया, जिससे बंदी खुशी और उल्लास में लोटपोट हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।